Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि WordPress को कैसे डाउनलोड करना है और फिर उसको इंस्टॉल कैसे करना है. तो इसके लिए हम सबसे पहले Google Chrome ओपन कर लेंगे. मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, तो हम सर्च बार में लिखेंगे WordPress. तो अब ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है. यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे गेट वर्डप्रेस का ऑप्शन आ गया है. यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और ऊपर राइट कॉर्नर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं. ये क्लिक करने के बाद डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे. डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है. तो अब जो लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का वो 6.0.1 है. और अब ये डाउनलोडिंग जब तक हो रही है तो मैं वीडियो को पॉज कर देती हूँ. तो अब वर्डप्रेस हमारे पास डाउनलोड हो चुका है. अब डाउनलोड्स में जाएंगे और ये वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. जी तो वर्डप्रेस हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया है. अब इस फोल्डर को ओपन करेंगे. यहाँ पे ये जो वर्डप्रेस वाला जो रियल फोल्डर है इसको यहाँ से कट कर देंगे. कट करने के बाद हम लोकल डिस्क सी में जाएंगे और लोकल डिस्क सी में जाने के बाद ये जैम्प का फोल्डर होगा. इसके अंदर जाके ये HT Docs के नाम से ये फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे. और फिर यहाँ पे सिंपली हम वर्डप्रेस का जो फोल्डर हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे. अब पेस्ट करने के बाद ये वर्डप्रेस का जो नाम है इसको हम चेंज कर देंगे, रीनेम कर देंगे. आपने जो भी वेबसाइट बनानी है आप उस नाम से इसको रीनेम कर सकते हैं. तो मैं इस फोल्डर का नाम माय वेब रख देती हूँ. आपने जो भी रखना है, जो भी वेबसाइट बनानी है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको रीनेम कर सकते हैं. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.